हाय, दिस इज दीपंकर बर्मन एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बर्मन स्टडी। और आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे जो असिस्टेंट लोको से डीजल इस जॉब प्रोफाइल के बारे में। हाँ, इस जॉब प्रोफाइल का, इसका पोस्टिंग कहाँ पर होता है, ड्यूटी आवर्स कितना का है, क्या काम करना पड़ता है, इसका लीव, छुट्टी, छटा, ये सब कितना मिलता है, इसका प्रोमोशन और लास्ट में इसका सैलरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो असिस्टेंट लोको से डीजल, इसका अगर पोस्टिंग के बारे में बोलेंगे तो जहाँ जहाँ डीजल सेड होता है वहीं पर आपका पोस्टिंग होगा। और ये जो डीजल का सेड है, ये तो कोई छोटा मोटा जगह पे नहीं होता है, ये एक बड़ा सा स्टेशन के बगल में या बड़ा सा जंक्शन के जहाँ से ट्रेन छोड़ता है, ऐसा ऐसा जगह पे रहता है। तो इसीलिए जो एक अच्छा जगह मिल जाता है फैमिली को लेकर सेटल होने के लिए, एक अच्छा जगह पोस्टिंग मिल जाता है। अब बात करेंगे इसका ड्यूटी आवर्स के बारे में। देखिए, ये जो डीजल लोको सेट, इसमें जनरल शिफ्ट चलता है और शिफ्टिंग आवर्स भी चलता है। अगर जनरल शिफ्ट के बारे में बात करेंगे तो इसका सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी चलता है, और बीच में जो ब्रेक रहता है खाने पीने के लिए, उसका ब्रेक रहता है। और अगर शिफ्टिंग ड्यूटी के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पर 2 शिफ्ट चलता है, सुबह 6 बजे से 2 बजे तक एक शिफ्ट चलता है 8 घंटे का, और फिर 2 बजे से रात 10 बजे तक एक शिफ्ट चलता है फिर 8 घंटे का। यहाँ पर नाइट ड्यूटी नहीं होता है, नाइट शिफ्ट नहीं है। आप बात करेंगे कि इसका क्या क्या काम करना पड़ता है। देखिए, ये जो डीजल लोकोसेड है, इसके अंदर 2 तरह के काम होता है, एक तो इलेक्ट्रिकल काम होता है और दूसरा मैकेनिकल काम होता है। मतलब आपका जो एक लोको के अंदर जो इलेक्ट्रिकली जो सामान लगा रहता है, जो भी रेक्टिफायर, रेडिएटर, स्पीडोमीटर या फिर जो भी आपका कंट्रोलर, रिले, ये सब इलेक्ट्रिकल का काम है। या फिर अंदर जो फैन लगा रहता है, जो आपका पैनल रहता है, या फिर जो हेडलाइट रहता है, मार्का लाइट रहता है, ये सब जो इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है। तो ये जो डीजल लोको में जो इलेक्ट्रिकल जो सामान है, ये सब इलेक्ट्रिकली जो अगर होगा तो वो सब इलेक्ट्रिकली चेक करना होता है। मैकेनिकल काम होता है, जैसे कि मैकेनिकल जो पार्ट्स होता है, अगर बॉगी के बारे में बोलेंगे या फिर जो ट्रॉली के, या फिर जो चक्का, व्हील, ये सब अलग अलग पार्ट्स होता है, इस हिसाब से अलग अलग सेक्शन है, अपना अपना सेक्शन का अपना अपना जो काम है वही काम करता है। जो भी अगर व्हील का सेक्शन है, वहाँ पर ग्रीसिंग करना, वहाँ पर कुछ पार्ट्स खराब हो जाए तो उसको वेल्डिंग करना, उसको रिप्लेस करना, मतलब हर एक लोगों का एक शेड्यूल, एक टाइम होता है, उसका ओवर हॉलिंग होता है, उसका बहुत सारा नाम है, तो अपना LSR, MSR, HSR, ऐसा उसके हिसाब से अलग 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 उसका मेंटेनेंस होता है, किस में थोड़ा बहुत काम होता है, किस में आधा पार्ट्स चेंज किया जाता है, किसी में फुल उसका पार्ट्स चेंज किया जाता है, उसका मोटर से लेके अंदर रेडिएटर, आपका कंप्रेसर जो भी रहता है सब रिप्लेस करके नया फिर डाला जाता है। यहाँ पर बहुत सारा पीड रहता है, इस पीड में आपको लोगों को प्लेस करना होता है, बहुत सारा स्टंटिंग का काम होता है, स्टंटिंग करके करके हर एक पीड में प्लेस करना रहता है। उसके बाद पीड में प्लेस होने के बाद जो भी अगर अंडर गियर चेकिंग रहता है तो अंडर गियर चेकिंग होता है, कहीं पर कोई क्रैक है तो उसको रिपेयरिंग, जो भी वेल्डिंग, जो भी रिप्लेसमेंट काम होता है। इसका लिफ्टिंग होता है, लिफ्टिंग होकर इसके अंदर जो बॉगी या फिर जो व्हील सेक्शन है वो भी रिप्लेस होता है। मतलब जो मैकेनिकल वाला काम है, ये थोड़ा सा भारी भरकम का काम है, थोड़ा हेवी वेटेड काम है, लेकिन लास्ट में ये जो काम होता है ना, ये थोड़ा सा आपका शरीर में थोड़ा डाटी, थोड़ा काली, ये सब लगने वाला काम है। मतलब आपका जो ड्रेस है वो गंदगी होगा, ये वाला जॉब प्रोफाइल में थोड़ा गंदगी होगा कि क्योंकि ऐसा थोड़ा जो चीज के साथ आपको डील करना होगा। तो यही था ओवरऑल जो भी मेंटेनेंस शेड्यूल है, हर एक लोको जो डीजल लोको है वो अपना सेट में आता है, उसको मेंटेनेंस करना, जो भी रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट, जो भी काम है अपने हिसाब से काम करना। थोड़ा बहुत हेवी वेटेड काम है, मतलब मॉडरेट से हेवी वेटेड काम है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम मेंटेन करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 2 घंटा काम करके छुट्टी, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम मेंटेन करना पड़ता है। और यहाँ पर आप पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे कि जॉब करते करते यहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आपको जितना भी टाइम आपका काम करने का, आपका काम ही करना होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। अब बात करेंगे कि छुट्टी छाटा लीव के बारे में। देखिए, लीव जो होता है वो मिल जाता है, यहाँ पर लीव मिल जाता है तो ठीक ठाक ही मिल जाता है। अब बात करेंगे कि प्रमोशन के बारे में। देखिए, प्रमोशन के बारे में बात करेंगे तो प्रमोशन उतना नहीं मिलता है, हाँ, डीजे लोको सेट में प्रमोशन उतना नहीं मिलता है, 10 साल लग जाता है आपका हेल्पर से टेक्नीशियन बनने में, क्योंकि सीनियरिटी तौर पर नहीं होता है। अब आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम देके हो सकता है, वो भी टाइम लगता है। और एक इसका डिसएडवांटेज है, धीरे धीरे जो ये डीजल वाला लोको से खत्म होते जा रहा है, क्योंकि रेल का जितना भी नेटवर्क है ये धीरे धीरे कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, तो मैंने ज़्यादातर जो डीजल का वो घटते जा रहा है, तो आने वाले फ्यूचर में ये जो डीजल वाला है ये धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर दूर फ्यूचर में सोचेंगे तो डीजल सेड में आपका फ्यूचर उतना नहीं है, तो प्रमोशन हो क्या ऊपर के तब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर में डीजल जो लोको है ये घटते जाएगा, सिर्फ इमरजेंसी पर्पज या फिर जो हंटिंग वाला काम है उसी में आपको, तो उसी के पर्पज के लिए ये जो डीजल लोको है इसी में रखना होगा, बाद बाकी धीरे धीरे जो ओपन लाइन वाला काम है ये हट जाएगा। तो आप लास्ट में बात करेंगे इसका सैलरी के बारे में, कितना सैलरी इसका मिलता है। देखिए, पहला तो एक जगह फिक्स ड्यूटी, इसके लिए TA नहीं मिलता है, इसका नाइट ड्यूटी नहीं होता है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है, तो वही जो सबको मिलता है बेसिक DA TA, मतलब ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, और HR अगर पकड़ेंगे तो अगर आपको क्वार्टर अवेलेबल है तो लेना होगा, HR नहीं मिलता है, अगर क्वार्टर अवेलेबल नहीं है तो HR मिलता है।
तो अगर ये सब कुछ पकड़ के चले कंप्लीट हिसाब करे एचआरए थोड़ा सा 3600 वाला पकड़िए, क्योंकि वो छोटा मोटा जाएगा उतना नहीं होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड जगह मिलता है, तो एचआरए 3600 इस हिसाब से पकड़ेंगे तो आपका जो पहला जो सैलरी वो 26000 के आसपास नीट सैलरी बनेगा। तो यही था ओवरऑल पूरा जॉब प्रोफाइल के बारे में जो डिटेल लोगों से है। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ है। तो ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करके सब्सक्राइब करके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज में, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बहुत बहुत अच्छे रहिए, हैव अ नाइस डे, बाय।